हेलो स्टूडेंट्स, आई प्रवेश कुमार बंसल अगेन वेलकम्स यू इन द सीरीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स। टुडे वी सी द हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सो लेट्स क्रैक द गेट। सो फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन? सिंपली एफ, देयर इज ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। इफ द इनवर्स रिलेशन एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए एग्जिस्ट, दैट मीन्स फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। जैसे हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन यदि एग्जिस्ट करता है, डेट मीन्स क्या हो गया, उस केस में क्या हो गया, मेरा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। तो मेरा फंक्शन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब क्या होगा, मेरा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए बाइजेक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन होगा। डेट मीन्स क्या हो गया, जो एफ फंक्शन होगा ये मेरा वन टू वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू। यदि ये दोनों दोनों है, डेट मीन्स क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 3 डिवाइड बाई 7 एंड यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एफ इनवर्स एक्स। हमें इसको कैलकुलेट करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द एफ इनवर्स एक्स। तो सिंपली आई से, यदि हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई है, डेट मीन्स यदि मुझे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो मुझे क्या निकालना है, यदि मैं इसको एफ इनवर्स वाई निकालूं, एफ इनवर्स वाई निकालूं, तो इट गिव्स यू सिंपली एक्स। तो सिंपली क्या है, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स हो रहा है। डेट मीन्स क्या हो गया, यदि मेरा वाई इक्वल टू मेरा क्या था, फाइव, और एफ एक्स में क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, और एक्स की जगह मैं क्या करूँ, आई पुट एफ इनवर्स वाई। डेट मीन्स क्या हो गया, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ y इक्वल टू एफ इनवर्स, सॉरी एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स वाई। यदि मैं ये वैल्यू पुट अप करूं, देन वी गेट द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो मैं क्या करूं, 5 जो मेरा ये फंक्शन था fx में क्या करूं, मैं सिंपली जो भी मेरा x है, x की जगह पे मैं क्या कर दूं, एफ इनवर्स y रख दूं। डेट मीन्स क्या हो गया, 5 इंटू एफ इनवर्स y प्लस 3 डिवाइड बाई 7। अब इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये क्या है, इसको इधर ले गया तो ये बन गया 7y इज इक्वल टू 5 इंटू एफ इनवर्स वाई प्लस 3। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एफ इनवर्स वाई, तो मैंने एफ इनवर्स वाई को इधर लिख लिया, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू 3 माइनस 7y डिवाइड बाई 5, यही तो आएगा। अब उसके बाद क्या करें, हम जो मेरा एफ इनवर्स वाई है इस वाले इसमें देखें, तो हमारा क्या, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा वाई है उसकी जगह पर मैं क्या कर दूंगा, एक्स पुट कर दूंगा एंड वी गेट द फाइनल आंसर ऑफ एफ इनवर्स वाई। तो दिस इज योर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन 3 - 7x / 5। इसमें एक और केस ले लेते हैं, लेट सपोज देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3 एंड वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स। हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट थिंग वही, लेट एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं इसको कुछ भी मान लेता हूँ, वाई मान लो, चाहे ए, मैंने ए मान लिया, तो यू वांट टू कैलकुलेट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो मैं क्या करूं, सिंपल एक्स इक्वल टू, इसमें क्या करूं, एक्स यहाँ पे ए पुट कर दूं, डेट गिव्स यू 2a - 3। अब मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है, तो ए निकाल लिया तो क्या बन गया, इट बिकम्स x + 3 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो गया, मेरा इनवर्स, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ। अब हमें चेक करना है कि लेट सपोज कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं, हमें ये चेक करना है ये आंसर हमारा सही है या नहीं है। तो मैं जैसे कि फर्स्ट वाले के लिए चेक कर रहा हूँ, 7x - 3 / 5, तो उसके लिए मुझे चेक करना है, इसके लिए मुझे चेक करना है, तो मुझे क्या करना है, मैं एक और पेज ले लेता हूँ, हमें चेक करना है, चेक एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। यदि ये मेरा मुझे एक्स मिल रहा है, तो डेट मीन्स क्या है, जो मैंने इनवर्स निकाला, डेट इज करेक्ट अदरवाइज रॉन्ग।
तो मेरा क्या है सिंपली एफ ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आई थी मेरी 7x-3/5। यदि मैं ये वैल्यू को निकालूं, वैल्यू सिंपली क्या है जो मेरा एफ एक्स दे रखा था उसमें मैं यदि एक्स की जगह पर 7x-3/5 पुट करूं और वी गेट एक्स, देन डेट मीन्स इनवर्स इज करेक्ट अदरवाइज रॉन्ग। तो मेरा फंक्शन क्या था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा था 5x+3/7। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 5x-3/5+3/7। अब इसको मैं वैल्यू को पुट करूँ तो क्या आ रहा है, 5 से 5 मेरा कट हो गया, डेट गिव्स यू 7x-3+3/7। तो 3 से 3 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, डेट मीन्स यू गेट एक्स, डेट मीन्स क्या है इनवर्स ऑफ है जो हमने कैलकुलेट करा था, डेट इज करेक्ट। या फिर मैं इसका या फिर इसको इस तरह से भी चेक कर सकता हूँ, या तो मैं एफ ओ एफ इनवर्स एक्स चेक करूँ, या फिर मैं क्या चेक करूँ, एफ इनवर्स ओ एफ एक्स, क्योंकि हमने कहा था कि इट इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो मैं इसको इस तरह से चेक कर लूँ। तो मैं क्या करूँ, 7x-3, 7x एक्स की जगह क्या कर दूँ मैं 5x+7 पुट कर दूँ, 5x+3/7-3/7। तो यह कर दूँ 7x+3/7, और यहाँ पर नीचे क्या था 5, ये नीचे क्या है 7x-3/5, तो सॉरी ये डिवाइड बाई 5 है। अब क्या है 7 से 7 कट हो गया, ऊपर देखो तो क्या हो रहा है 5x+3-3/5, तो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट पुट हो गया, डेट मीन्स यू गेट एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने इनवर्स कैलकुलेट करा है डेट इज करेक्ट। अब इस पर अब एक दो केस और देख लेते हैं। लेट सपोज कोई एक सेट ए है और उसमें क्या है वैल्यू हमारी एक्स है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/2। हमारा क्या है एक्स 1/2 नहीं होना चाहिए, और कोई फंक्शन है जो हमारा क्या है ए टू आर गिवन, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x/2x-1 दे रखा है, और यू वांट टू कैलकुलेट एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये मुझे कैलकुलेट करना है इनवर्स। तो मेरा फंक्शन गिवन है और उसने सेट दे रखा कि ऐसे मेंबर आएंगे जो 1/2 के इक्विवेलेंट छोड़कर बाकी सब क्या होंगे इसके मेंबर होंगे। तो सॉल्यूशन, लेट पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हर बार एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तुम कुछ भी मान लो, लेट सपोज मैंने ए मान लिया, तो उसका मतलब क्या हो गया एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो उसका मतलब क्या हो गया जो मेरा फंक्शन एफ एक्स था वहां पर मैं क्या एफ ऑफ ए पुट करूंगा, तो मैं क्या निकाला एफ ऑफ ए निकाला, तो दैट मीन्स 4 × a/2a-1 ये हुआ 4a/2a-1, और एफ ऑफ ए क्या है इट गिव यू एक्स। तो उसको मैं फाइनली यदि सॉर्ट आउट करूँ तो क्या होगा 4a/2a-1 इज इक्वल टू, मेरा अभी तक क्या रहा था एक्स, अब मुझे क्या निकालना इस इक्वेशन को ए के टर्म्स में निकालना है, तो दैट मीन्स क्या हो गया यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँ 2ax-x-4a = 0। तो ये क्या हो गया, यदि मैं x कॉमन लेता हूँ डेट इज 2a-1 = 4a, सॉरी ये नहीं, हमें a के टर्म्स में निकालना है, डेट मीन्स क्या हो गया मैं a कॉमन लेना है, तो 2a मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आया मेरा x-2 - x = 0। अब मैं इससे टर्म्स में ए के टर्म्स में वैल्यू निकाल लूँ तो ए गिव्स यू x/2x-4, तो यहाँ से मुझे क्या है ए की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या काम है, यही मेरा क्या हो गया इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम R² to R² एंड देयर इज ए फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x+2y, 2x+y, और कैलकुलेट एफ इनवर्स x, y। वहां तो अभी तक हम लोगों ने सिंगल कर रहे थे कैलकुलेट, अब क्या है डबल वाले, जहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं
उसको हम कैसे करेंगे। स्टेप हमारा सिंपल वही है, फर्स्ट क्या है हम एफ इनवर्स एक्स वाई को वहाँ पर जैसे हम क्या है खाली ए मान लेते थे, आपके बार क्या है हमें दो वैल्यू माननी है, तो मतलब क्या हो गया इसको ए कॉमा बी के टर्म्स में मान, या फिर क्या है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ एफ इनवर्स ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, बोथ हैव ए सेम मीनिंग। अब मुझे क्या है ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे फर्स्ट वाले में से हम यदि ए और बी की कैलकुलेट करेंगे मतलब क्या है एक्स की जगह पे मैं पुट एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी इन द ओरिजिनल, में यदि मैं ओरिजिनल पुट करूंगा तो क्या आएगी डेट गिव्स यू वैल्यू ए कॉमा बी की वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या आएगी एक्स प्लस टू वाई एंड टू एक्स प्लस वाई। यदि मैं इसमें क्या करूँ ये वैल्यू पुट करूँ तो मुझे इससे क्या मिलेगा ए इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई एंड बी इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि मैंने इसका क्या है ये मेरा एफ इनवर्स एक्स के है ये एफ इनवर्स वाई के है, मतलब एफ इनवर्स एक्स वाई के इक्विवेलेंट है। अब इससे क्या है मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, अब इसको यदि मैं सॉर्ट आउट करूंगा तो मेरा क्या है एक्स और वाई के उसमें टर्म में सॉर्ट आउट कर लूंगा वैल्यू, तो उससे मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो क्या होगा मेरा बनेगा यदि मेरे ये पहले एक्स वाले को निकालूंगा तो मतलब क्या होगा ऊपर वाली इक्वेशन को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर इक्वेशन को मैं क्या कर दूँ टू से मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस कर दूँ, तो डेट गिव्स यू तो यहाँ से क्या हो जाएगा फोर वाई माइनस माइनस फोर वाई, तो इससे क्या मिलेगा मुझे वाई इक्वल टू ऊपर वाली टू से हो जाएगी टू ए माइनस बी डिवाइड बाई थ्री, और लाइक वाइज जैसे मुझे एक्स मिल जाएगा शॉर्ट आउट करूंगा तो टू बी माइनस ए डिवाइड बाई थ्री, इससे मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पुट अप हो गई। अब क्या है मुझे एफ इनवर्स ए बी की उसमें रखना है, तो सिंपल क्या है एक्स की वैल्यू क्या है टू बी माइनस ए डिवाइड बाई थ्री कॉमा टू ए माइनस बी डिवाइड बाई थ्री, मैंने ये कर लिया। अब क्या है सिंपली ए को एक्स और वाई से हम क्या कर दें इंटरचेंज कर दें, दैट बिकम्स टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री कॉमा टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई थ्री, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको हमें चेक भी करना है, लेट सपोज आई वांट टू चेक कि ये मेरा जो आंसर है ये सही है नहीं, चेक एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ये मेरा आना चाहिए, तो मैं क्या करूँ एफ ऑफ टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी थी एंड टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई थ्री मैंने कैलकुलेट करा था, तो क्या क्या कर दूँ उसको पुट इन एक्स प्लस टू वाई, उसमें क्या कर दूँ उसको पुट कर दूँ, तो डेट बिकम्स क्या हो गया मेरा ये क्या हो गया मेरा टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस टू एक्स यहाँ पे क्या कर दूँ मैं टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई थ्री, ये पहला वाला हो गया, मतलब क्या हो गया जो टू वाई माइनस एक्स है मैंने उसमें क्या करी इस वैल्यू को पुट कर दिया कॉमा टू टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई थ्री, मैंने दोनों इक्वेशन में क्या करा एक्स और वाई की ये वैल्यू पुट कर दी, तो उसको मैंने सॉर्ट आउट करा तो वी गेट एक्स कॉमा वाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेट मुझे चलो मान लिया कि इसमें यदि कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्या करूँ एफ ऑफ एफ इनवर्स यदि मुझे क्या है सिक्स नाइन है तो मुझे चेक करना है कि इसका सिक्स कॉमा नाइन पे आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करना है तो मैंने क्या करूँ इस वैल्यू को पुट कर दूँ, तो मैं क्या करूँ सिंपल टू इंटू नाइन माइनस सिक्स डिवाइड बाई थ्री कॉमा टू इंटू सिक्स माइनस नाइन डिवाइड बाई थ्री, इसका मतलब क्या हो गया इट गिव्स यू वैल्यू एफ, ये क्या आएगी वैल्यू फोर और ये वैल्यू क्या आ रही वन एफ फोर वन, तो उसका मैंने इनवर्स क्या कैलकुलेट करा था टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री, तो डेट इज क्या हो गया फोर प्लस टू कॉमा एट प्लस वन डेट इज सिक्स कॉमा नाइन, तो मैंने क्या है उस वैल्यू पे मैंने अगेन वही वैल्यू मुझे फाइंड आउट मुझे मिल गई, डेट मीन्स क्या हो गया जो मैंने इनवर्स निकाला था डेट इज राइट। मैंने इस वाले स्टेप में सिंपली क्या करा है मैंने क्या करी कोई भी एक वैल्यू ले ली सिक्स कॉमा नाइन और मुझे उसके क्या करूँ सिंपली जो मैंने वैल्यू निकाली थी टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री, तो वहाँ पे मैंने क्या वाई की जगह पे नाइन, ये क्या है वैल्यू नाइन वाई की और ये क्या है एक्स की, मैंने क्या करा सिंपल टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री और टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई थ्री में ये वैल्यू पुट कर दी, तो मुझे इससे क्या मिला एफ फोर वन। अब मेरा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या कह रहा था एक्स प्लस टू वाई और टू एक्स प्लस वाई, तो वहाँ पे मैंने ये वैल्यू को पुट कर दी
तो मुझे क्या बन जाएगा वाई क्यू, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा वाई ये हो जाएगा और एक्स ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू पे क्या हो जाएगा, इसको जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था मेरा एक्स प्लस टू वाई कॉमा टू एक्स प्लस वाई, इस वैल्यू में मैंने क्या करी ये वैल्यू पुट कर दी, देन वी गेट अगेन 6.9। दैट मीन्स क्या है आवर आंसर इज करेक्ट। अब इतना हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ ली, अब इसके बेसिस पे हम क्या है अब एक गेट क्वेश्चन करेंगे। लेट सपोज देयर इज ए फंक्शन आर इज डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर, लेट एफ आर टू आर मतलब आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सिंपली सबसे पहली चीज़ तो यही है, चाहे ये दे चाहे ना दे, यदि हमारा इनवर्स फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है, डेट मीन्स क्या है फंक्शन हमेशा हमारा क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मीन्स वन टू वन एंड ऑन टू, मतलब क्या है सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए और दोनों के चलो फुल होने चाहिए। डिफाइंड बाई क्या दे रखा है हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वन, मुझे इसको कैलकुलेट करना है, इसमें इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला क्या स्टेप है, एक तरीका तो क्या है मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ। लेट सपोज मुझे इतना कुछ नहीं करना है तामझाम, मैं क्या करूँ सिंपली मुझे आंसर से चेक करना है, तो मैं क्या करूँ कोई दो वैल्यू ज्यूम कर लेता हूँ। लेट सपोज आई एज्यूम एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू थ्री, मैंने ये एज्यूम कर लिया। तो यदि मैं x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू थ्री करूंगा तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा फाइव और x माइनस वाई क्या हो जाएगा मेरा माइनस वन। अब क्या करूं मैं थ्री कॉमा टू पे चेक करता हूं, लेट थ्री कॉमा टू, थ्री कॉमा टू मतलब उल्टा, मैं उल्टा निकाल रहा हूँ थ्री कॉमा टू, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी फाइव कॉमा वन आनी चाहिए। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ थ्री कॉमा टू पे जो भी वैल्यू थी और यहाँ पे क्या है मैंने फाइव वन पे ये वैल्यू थी, तो थ्री कॉमा टू पे मैंने ये करा अप्लाई, तो ये फंक्शन एफ था और जब मैंने ये अप्लाई करा तो मुझे क्या मिलना चाहिए एफ इनवर्स में। तो डेट मीन्स क्या हो गया यदि इसको हम चेक करें ये आंसर में वैल्यू पुट करें तो हमारा कौन सा आ रहा है, यदि मैं एफ इनवर्स एक्स कॉमा वाई निकालूँ तो यदि मैं इसको करूँ तो क्या आ रहा है मेरा, यदि मैं आंसर सब में एक एक करके वैल्यू को पुट करूँ एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू थ्री, तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे वन वाई फाइव और यहाँ से क्या मिल रहा है वन अपॉन एक्स माइनस वाई, तो मतलब ये वन बाई फाइव आया, डेट मीन्स क्या हो गया ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। लाइक वाइज मैं बी ऑप्शन चेक करूँ तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई क्या दे रहा है मेरा माइनस वन फाइव दे रखा, मतलब क्या है ये उल्टा आ रहा है, मेरा क्या चाहिए फाइव कॉमा वन। नेक्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू क्या आ रहा है लगभग टू पॉइंट फाइव, मतलब क्या हो गया थ्री आ गया, और इधर से क्या है एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टू, तो मतलब क्या हो जा रहा है मेरा टू आ जा रहा है। दैट मीन्स क्या है मुझे फाइव कॉमा, जब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रही है ये वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू कॉमा एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई। अब इसको चेक करने का एक और तरीका जो तुम्हें बताया है मैंने सिंपली उस मेथड से भी चेक कर लेते हैं। लेट सपोज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, मेरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ये हमें दे रखा है और मुझे कैलकुलेट करना है एफ इनवर्स एक्स कॉमा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहला तरीका क्या है मैंने इसकी वैल्यू को किसी दो के इक्विवेलेंट ले लेता हूँ। लेट सपोज ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, तो सिंपली ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सिंपली क्या है मैं एक्स के टर्म में वैल्यू करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, यदि मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एक्स मेरा आ जा रहा है, और जब मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, अब ये वाला टर्म्स मेरा वाई हो जाएगा, मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने क्या कहा यदि हम पहले को उसको सिंपली माइनस कर दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, सॉरी सिंपली मैं ऐड कर दे रहा हूँ तो ऐड कर दे रहा हूँ तो वाई वाला टर्म जीरो हो गया, तो इधर से क्या हो जा रहा है मेरा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू कह रहा हूँ, अब जब मैं वाई की इसमें करूँगा तो माइनस करेंगे डेट मीन्स क्या होगा इट बिकम्स ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू वाई, ये मैंने वैल्यू पुटअप कर ली। अब क्या करूँ सिंपल मैं एफ ऑफ इनवर्स एक्स वाई कर दूँ तो मतलब क्या हो गया ए की जगह पर मैं एक्स पुट कर दूँ वाई की जगह पर वो पुट कर दूँ, तो मतलब ए इक्वल टू क्या जा रहा है मेरा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू एंड बी इज इक्वल टू
एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टू, तो डेट इज एफ इनवर्स एक्स वाई। तो मैंने क्या कहा, ये सिंपली इसका आंसर हमने इस मेथड से भी निकाला। अब हमारी क्या है, इनवर्स के रिगार्डिंग कुछ हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको मैं याद रखनी है, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारी क्या है इनवर्स फंक्शन पे एग्जिस्ट करती है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नया पेज ले लेता हूं, प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स फंक्शन। तो फर्स्ट थिंग, इफ देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड बी वन एंड बी वन कॉमा बी टू इज द सबसेट ऑफ बी, ये सिंपली हमने कोई दो सेट ले लिए, देयर आर टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। फर्स्ट थिंग इज एफ इनवर्स बी वन इंटरसेक्शन बी टू इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी वन इंटरसेक्शन एफ इनवर्स बी टू। एंड सेकेंड बी प्रॉपर्टी सेज एफ ऑफ इनवर्स बी वन यूनियन बी टू इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स बी वन यूनियन एफ इनवर्स बी टू। ये हमारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जैसे यदि मैंने कोई एग्जाम्पल ये बनाया, देयर इज अ सेट ए बी सी और यहाँ पे क्या है वन टू थ्री, तो मेरा बाइजेक्टिव मीन्स क्या है वन टू वन मैपिंग होगी, और ऑन टू है मीन्स क्या है दोनों साइड से मैपिंग पूरी होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट सपोज बी वन मैंने कोई सेट लिया, लेट सपोज आई टेक सेट बी वन इज इक्वल टू वन कॉमा टू एंड बी टू इज इक्वल टू थ्री। तो हमारा फर्स्ट क्या कहता है, हमारा एफ इनवर्स बी वन इंटरसेक्शन बी टू। तो हम यदि एफ इनवर्स बी वन इंटरसेक्शन बी टू कहूँ तो मैं क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो लेट सपोज मैंने इसको इंटरसेक्शन ले लिया, मैंने बी टू को मैंने टू थ्री भी ले लिया, जिससे क्या मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जा रहा है। तो एफ इनवर्स बी वन इंटरसेक्शन बी टू, तो हमने क्या कहा, इसको हमने कह दिया टू इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी वन। तो बी वन इसका इनवर्स क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स बी टू, हमारा बी वन का निकालें तो वन टू का क्या है मेरा ए कॉमा बी आ रहा है, और इसका हम निकालें तो बी टू में क्या है मुझे टू और थ्री की इमेज देखनी है, टू और थ्री की इमेज क्या है मेरी बी कॉमा सी। तो यदि मैं दोनों साइड से इंटरसेक्शन निकालने तो क्या मिल रहा है मेरा बी, तो एफ इनवर्स टू इक्वल टू क्या है बी मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये स्टेटमेंट ट्रू है। लाइक वाइज यदि मैं सेकंड स्टेटमेंट भी चेक कर लूँ तो वो भी क्या होगा मेरा ट्रू होगा। तो ये हमारी क्या है इसके रिगार्डिंग, ये इसके प्रॉपर्टी है। अब इस पे क्या है, हमारा एक बार गेट पे क्वेश्चन भी आया है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ और डिसप्रूफ। तो आई थिंक हम लोगों ने फंक्शन के रिगार्डिंग हमने सभी चीजें डिस्कस कर ली हैं, हमने इनवर्स भी कैलकुलेट कर लिया, कंपोजिशन। तो फाइनली क्या है, इन द फंक्शन टॉपिक तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, यू रीड द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल एंड थर्ड थिंग हम लोगों ने पढ़ी फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज, या इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन टू वन, ऑन टू, बाइजेक्टिव एंड लाइक वाइज मैनी टू वन, और फिर कितने हमारी नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल है, और लास्ट हमने क्या पढ़ा इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो हमें क्या है इतनी चीजें हमें क्या है फंक्शन में पढ़नी है। तो ये क्या है हमारे गेट के सिलेबस में आती हैं। इसके अलावा क्या है, क्या जनरेटिंग फंक्शन आ जाता है, तो जनरेटिंग फंक्शन क्या है वो पार्ट हमारा जो कवर हो जाता है डामा भी हो जाता है, उसके रिगार्डिंग उसके भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हमारा फंक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रीपोजिशन लॉजिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।